सबसे बड़ी जो मूर्तियां देख रहे हैं वो बीच में जो है हमारे राम जी हैं, इस तरफ माता सीता हैं, और राम जी के राइट में जो है वो लक्ष्मण जी हैं जी। तो ये बड़ी वाली मूर्ति भी राम लक्ष्मण सीता जी की हैं, और ये जो बीच में जो साइड में आप देख रहे हैं छोटी मूर्ति भी जो है वो राम लक्ष्मण सीता जी की हैं। तो आप सब जब भी नर्मदेश्वर के दर्शन करने आए बौरास गाँव में घाट के होते हुए एकदम करीब 500 मीटर की ही दूरी पर ये भव्य मंदिर है, विशाल मंदिर है, और छठवीं पीढ़ी के पूज्य संत महाराज जी यहाँ पर आप सबको आशीर्वाद देते हुए मिलेंगे। दोस्तों, माँ नर्मदा मैया की जो यात्रा है वो भक्ति से भरी हुई है, श्रद्धा आस्था विश्वास का अटूट संगम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसीलिए मेरा प्रयास और मेरे साथी चेतन जी का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें आप सबको दिखाई जाएं जो माँ नर्मदा से जुड़ाव है, यानी माँ नर्मदा के तट पर जो भी भक्त जो भी श्रद्धालु हैं उनका जुड़ाव है ही, लेकिन यहाँ के मंदिर जो हैं, यहाँ के जो स्थल हैं पौराणिक जो स्थल हैं उनकी धार्मिक मान्यताएं बहुत अधिक हैं, और इसीलिए देश भर से इन स्थानों पर भक्तगण श्रद्धालुगण दर्शन करने के लिए आते हैं। आज इस यात्रा के दौरान मैं आप सबको दिखाऊंगा राम जानकी मंदिर जो करीब 200 साल पुराना है, 6 के करीब यहाँ पर पूज्य संत महाराज जी का आशीर्वाद मिल चुका है, एक ऐसे संत महाराज जिन्होंने खड़े खड़े यहाँ पर समाधि ले ली, और आज ऐसी मान्यता है कि संत महाराज जी के स्थान पर अगर पहुँचते हैं समाधि स्थल पर पहुँचते हैं और एक बार मन में जो भी इच्छा रखते हैं जो भी मनौती रखते हैं वो मनौती पूज्य संत महाराज पूर्ण करते हैं, इसीलिए भारतवर्ष पौराणिक स्थल भारतवर्ष धार्मिक मान्यताओं से माना जाता है और हमारे ऋषि गणों का देश भारतवर्ष माना जाता है। तो आइए भावपूर्ण दर्शन आप सबको कराते हैं राम जानकी मंदिर का, जहां पर राम जी हमारे विराजमान हैं, मैया सीता विराजमान हैं और पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान हैं। तो आइए चलते हैं राम जानकी मंदिर का दर्शन करने के लिए। हम सब प्रवेश कर रहे हैं राम जानकी मंदिर में और वहाँ दर्शन करते हैं, उससे पहले मंदिर की भव्यता हम दिखाएंगे, उसकी पौराणिकता दिखाएंगे कि कितना प्राचीन ये मंदिर है, भव्य बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर का जो की इमारत है वो विशाल है और प्राचीन और पौराणिकता आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी कि मंदिर के जो दरवाजे हैं मंदिर के जो गेट हैं वो प्राचीन समय में बने हुए हैं, जो हमारी कलाकृतियाँ होती थी वो आप सबको दिखाई देंगी। सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ते हुए आगे आप सबको देखने को मिलेगा कि मंदिर का जो प्रवेश द्वार है ये द्वार बहुत बड़ा है और जहाँ से सैकड़ों की संख्या में भक्तों का श्रद्धालुओं का लगातार आना रहता है, निरंतर मंदिर में आते रहते हैं। यहाँ से मंदिर का पूरी भव्यता आप सबको देखने को मिलेगी, मंदिर के अंदर आपको बहुत सारी वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जिससे ये पता चलेगा समझ में आ सकेगा कि ये मंदिर कितना प्राचीन है कितना पौराणिक है। मंदिर में आते ही एकदम चारों तरफ शीतलता ही शीतलता नज़र आती है, आपको मंद मंद बयार आएगी क्योंकि माँ नर्मदा लगातार अपने भक्तों पर अपने श्रद्धालुओं पर शीतलता की बारिश करती रहती हैं। तो आइए दर्शन करते हैं राम जानकी जी का। यदि आप सभी भी राम जानकी मंदिर आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, माँ नर्मदेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप सबको एक इससे पहले सूचना देते हैं कि मंदिर का जो जुड़ाव है वो अयोध्या नगरी से है, यानी छोटी छावनी से है, और वहीं से संत परंपराएं निकली और धीरे धीरे राम जानकी मंदिर में संत महाराज पूज्य संत महाराज जी आते रहे। छठवीं पीढ़ी वर्तमान में है जो संत महाराज जी यहाँ पर पीठाधीश्वर हैं, जो राम जानकी मंदिर की
पूरी देख रेख कर रहे हैं। तो अगर आप सब आना चाहते हैं तो आप सबको मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में आना पड़ेगा। रायसेन ज़िले के उदयपुर तहसील है, वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से बौरास गाँव के एकदम निकट ये मंदिर है, और यहाँ से अगर थोड़ी दूर पर ही चलेंगे तो 500 मीटर पर माँ नर्मदा का भी दर्शन होगा। तो पहले माँ नर्मदेश्वर के स्नान करिए और उसके बाद फिर राम जानकी मंदिर में प्रवेश करिए, यानी दर्शन करिए। माँ नर्मदा के तट के किनारे राम जानकी का भावपूर्ण दर्शन, ये बहुत ही हम सब के लिए पूजनीय है और वंदनीय है। यहाँ आप देख रहे हैं कि राम जानकी विराजमान है, तो दूसरी तरफ लक्ष्मण जी भैया, छोटे लक्ष्मण भैया, वो विराजमान हैं। इनका भावपूर्ण दर्शन आप सबको देखने को मिलेगा। और जब राम जानकी हों और जहाँ पर भैया लक्ष्मण हों वहाँ पवन सुत पवन पुत्र हनुमान जी ना हों, तो फिर जो है यात्रा जो है वो दर्शन जो है कुछ अधूरा सा लगता है। तो यहाँ एकदम निकट पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान हैं, गदा लिए हुए दंडवत कर रहे हैं अपने प्रभु को, अपने राघव को, अपनी मैया जानकी जी को, क्योंकि जानकी जी का पता लगाने के लिए हनुमान जी लंका पार करके गए थे। तो आज नर्मदेश्वर माता जी के एकदम निकट राम जानकी मंदिर में भावपूर्ण दर्शन, और उससे भी अद्भुत दर्शन आप सबको दिखाने जा रहे हैं, जो हमारे जीवन का सबसे अमूल्य दर्शन होगा, जो हमारे जीवन का बहुत बड़ा, अगर आप सबने सत्कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, तो वो दर्शन होगा। क्योंकि यहाँ का जो दर्शन है वो हमारे जीवन को धन्य करने वाला है। और ऐसी मूर्तियाँ स्थापित हैं, ऐसे देव स्थापित हैं, जिनको देखकर आपको लग जाएगा कि जैसे आप अयोध्या नगरी में विराजमान हैं, आपको ऐसा लग जाएगा कि पूरे मेरे राम जी का परिवार यहाँ पर विराजमान है। तो राम जानकी मंदिर में परंपराएं जो हैं वो कैसे चल रही हैं और कौन कौन से देव मूर्तियाँ यहाँ विराजमान हैं, तो यहाँ महाराज जी से बातचीत करके जानकारी करते हैं। जी महाराज जी, नाम क्या है? मेरा नाम आनंद शर्मा है, मैं इधर का भूतपूर्व छात्र हूँ और वर्तमान में महाराज जी के साथ में स्थान की व्यवस्थाएं देखने में महाराज जी का सहयोग करता हूँ। जी जी, यहाँ मंदिर में देख रहे हैं राम जी तो हमें पहचान में आ रहे हैं, हनुमान जी भी पहचान में आ जा रहे हैं, जानकी मैया पहचान में आ रहे हैं, और बहुत सारा परिवार ही दिखाई दे रहा है। तो कौन कौन है परिवार जी? देखिए, सबसे पहले तो आप जो ऊपर सबसे बड़ी जो मूर्तियां देख रहे हैं, वो बीच में जो है हमारे राम जी हैं, इस तरफ माता सीता हैं, और राम जी के राइट में जो है वो लक्ष्मण जी हैं। जी, तो ये बड़ी वाली मूर्ति भी राम लक्ष्मण सीता जी की है, और ये जो बीच में जो साइड में आप देख रहे हैं छोटी मूर्ति भी जो है वो राम लक्ष्मण सीता जी की हैं, और जो उनके बीच में जो लड्डू गोपाल जी आप देख रहे हैं, जो सेंटर में जो लड्डू गोपाल जी हैं, वो बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं। हमारे इधर तीन जोड़ जो है लड्डू गोपाल जी हैं, तीन, उनसे छोटे एक मंझले हैं, फिर उनसे एक छोटे हैं, और जो जो सबसे बड़ी मूर्ति जो साइड में आप देख रहे हैं, जो साइड में जो किनार पे ही रखे हुए हैं, वो इस तरफ के जो हम हमारे से जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं वो दशरथ जी हैं, और जो राइट में जो देख रहे हैं वो माता कौशल्या जी हैं, और जो सालग्राम जी हैं वो बहुत प्राचीन हैं, हमारे मतलब दादा गुरु जी इनको नेपाल से लेकर के आए थे। बहुत सारे नीचे जो आप देख रहे हैं वो सालग्राम जी हैं, और इनकी रोज़ प्रातः सेवा सब होती है, जो नियम से सुबह प्रातःकालीन आरती होती है, फिर दोपहर में मतलब 9:30 बजे बालभोग की सेवा भी देनी पड़ती है, फिर दोपहर में राजभोग, शाम को ब्यारू, ये सब सेवाएं भगवान की सायकालीन आरती शुरू से सुबह से शुरू हो जाती है। जी, राम जी के साथ जानकी मैया, लक्ष्मण जी और हनुमान जी हैं। जी हाँ, वो मैं देख रहा हूँ। दशरथ जी और माता कौशल्या कैसे यहाँ विराजमान है, क्या लाएँ, किस तरह जी, से क्या हमारे मतलब महाराज जी का एक वो था कि मतलब पूरा परिवार जो है वो दरबार राम जी का पूरा करें जी। तो उसके अब बिना माता पिता के बच्चे तो अधूरे ही हैं, इसलिए हमारे पूर्व जो गुरु जी थे उन्होंने उनकी भी स्थापना की। जी जी, तो ये करीब मुझे लगता है कि अयोध्या से अगर देखेंगे तो 1200-1500 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर होगा, और यहाँ पर आप अगर आते हैं और माँ नर्मदा का स्नान करने के बाद अगर मंदिर में दर्शन करते हैं तो एकदम आपको लगेगा कि आप अवध में हैं, आपको लगेगा कि आपके प्रभु राम जी यहाँ पर, आपको लगेगा कि अपने घर में हैं, राम जानकी का जो भावपूर्ण दर्शन होगा।
तो नर्मदा तट पर राम जानकी मंदिर हम सबको प्रभु की स्मरण, प्रभु की वंदना, प्रभु की पूजा के लिए प्रेरित करता है। तो आप सब जब भी नर्मदेश्वर के दर्शन करने आए, बौरास गांव में घाट के होते हुए एकदम करीब 500 मीटर की ही दूरी पर ये भव्य मंदिर है, विशाल मंदिर है, और छठवीं पीढ़ी के पूज्य संत महाराज जी यहाँ पर आप सबको आशीर्वाद देते हुए मिलेंगे। आप सब महसूस नहीं कर सकते हैं कि माँ नर्मदेश्वर जब अपने उफान में रहती हैं, सावन भादो में पूरी तरह से लबालब जल से रहती हैं, तो पूरा मंदिर परिसर तक जल आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद मंदिर का वातावरण बहुत शीतलता से भरा हुआ है। यहाँ का वातावरण इतना सुगम है, इतना शांत प्रिय है कि घंटों अगर आप साधना करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं, तो मंदिर परिसर में ही बैठकर आप साधना और तपस्या कर सकते हैं। इससे प्रतीत होता है कि मेरी मैया माँ नर्मदेश्वर सभी भक्तों को शीतलता प्रदान करने वाली है। यहाँ मंदिर परिसर में देखेंगे तो वातावरण सुगम सुंदर तो है ही, किन कारणों से है वो भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैया तुलसी जो है विराजमान है, और आंगन में अगर हमारे मंदिर परिसर में मठ में कुटी में अगर तुलसी मैया हो, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये स्थान, ये स्थल कितना पवित्र होगा। आप पूरे तुलसी मैया का वो स्थान, वो स्थल देखिए जो हमारे प्राचीन कभी घरों में, कभी मठ में, कभी मंदिरों में हुआ करती थी। ये स्थल और ये स्थान आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। पूरा अगर जो ब्यौरा लगा हुआ है तुलसी मैया का, वो पूरे नीचे से ऊपर तक देखेंगे तो आपको देखने को महसूस हो जाएगा कि ऐसे ही पुराने समय में, आज से 20, 25, 50 साल पहले, ऐसे ही तुलसी मैया हर आंगन में विराजमान होती थी। आज वो राम जानकी मंदिर में विराजमान है और जिनका दर्शन आप सबको हो रहा है। फिर जब मंदिर में आ गए आप और राम जानकी मंदिर में आप सबको भावपूर्ण, भक्तिमय पूर्ण बहुत सारे दर्शन हो रहे हैं, तो यहाँ पर भोलेनाथ का दर्शन ना हो तो आपकी यात्रा अधूरी रहेगी। यहाँ भोलेनाथ बाबा विराजमान हैं, और देखिए भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित लगातार होता जा रहा है। बूंद बूंद जल अर्पित होते हुए ये महसूस होता है, ये प्रतीत होता है कि हे भोलेनाथ, हे शिव, सबका कल्याण करो, क्योंकि आपने तो लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, मंगल कामना के लिए विष का भी पान कर लिया था। नंदी बाबा यहाँ विराजमान है, नंदी बाबा का भी आप दर्शन करिए। जहाँ भोलेनाथ हैं, जहाँ भगवान शंकर हैं, तो वहाँ पर नंदी बाबा का भी दर्शन आप सबको होगा। यहाँ पूरा परिवार है, कार्तिकेय भगवान जी हैं, गणेश जी हैं, और मैया पार्वती मैया भी हैं, तो पूरा ये परिवार का दर्शन यहाँ आप सबको देखने को मिलेगा। और ये दर्शन मंदिर परिसर में जब आप आएंगे तो आप सबको मिलेगा, और आपका मन जो है, आपका जो मन के अंतर आत्मा है, वो भाव से पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हनुमान जी विराजमान है, और हनुमान जी के हाथ में गदा है, और एक हाथ पर लिए हुए पहाड़ पर्वत जैसे लग रहा है कि पवन पुत्र उड़ने के लिए तैयार है। पवन पुत्र जहाँ पर राम जानकी हों, तो वहाँ पर हमारे हनुमान जी का दर्शन ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो। हनुमान जी जो समुद्र लाग जाते हैं, जो मैया सीता का पता लगाने के लिए पूरी तरह से लंका को तहस नहस कर देते हैं। आइए भक्तगणों से भी बातचीत करते हैं जी। राम जानकी, राम जानकी जय हो, जय हो। क्या नाम है आपका? हमारा ओम प्रकाश शर्मा जी। कब से आ रहे हैं मंदिर से, कब से जुड़ा हुआ है मंदिर से? तो यानी 25-30 साल हो गए जी। हाँ, तो जब भी मौका लगता है आते हैं? आते हैं। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत। कैसा महसूस होता है यहाँ पर आकर? यहाँ शांति मिलती है, यानी भगवान जी। जी, इतना भव्य और विशाल मंदिर आसपास कहीं नहीं है? नहीं, यहाँ कहीं नहीं, बहुत पुराना मंदिर है ये तो। जी, गुरु जी से आशीर्वाद मिलता है कि नहीं? हाँ, आशीर्वाद मिलता है हमारे यहाँ से। दीक्षा लिए जी। क्या नाम है आपका मैया? पुष्पा शर्मा। पुष्पा जी, अच्छा, आप भी साथ में ही आते हैं? हाँ, साथ में आते हैं जी। और क्या क्या चीज़ आपको मंदिर में दिखती, अच्छी दिखती है, जिससे आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही मंदिर होना चाहिए? यहाँ आकर बहुत शांति मिलती है, बस सभी कुछ अच्छा लगता है जी। मन सुकून में आ जाता है? मन सुकून में आ जाता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि मन बड़ा विचलित हो रहा हो? हाँ, तो चलो चलते हैं मंदिर में। हाँ, ऐसे ही होता है।
तो आकर दर्शन करते हैं तो शांति मिलती है, शांति आ है। बहुत विचलित मन था इसीलिए आए हैं यहाँ आके जी, दादाजी के यहाँ बहुत शांति मिलती है जी। कितनी दूरी है जहाँ से आप आए नरसिंहपुर से? नरसिंहपुर से किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर जी। तो भक्तगढ़ कोई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर और कोई तो 500-1000 किलोमीटर की दूरी से आते हैं यहाँ पर। जब उनके मन में थोड़ा सा कुछ द्वंद्व रहता है या थोड़ा मन विचलित रहता है तो आ जाते हैं, दर्शन करते हैं। और जब दर्शन करते हैं तो भक्तगढ़ों का ही कहना है कि मन एकदम सुकून और शांति में आ जाता है। पूज्य गुरुदेव महाराज जी संतों की परंपरा के अनुसार उन्होंने मंदिर को कैसे धीरे धीरे बढ़ाते चले गए और कैसे मंदिर का विशाल स्वरूप हुआ, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे चरण पादुका है, जहाँ पर गुरुदेव जी का आशीर्वाद है। ये चरण पादुका गुरुदेव जी के प्रसाद हैं, क्योंकि इन्हीं गुरुदेव जी के परंपरा से हमारा ये भव्य मंदिर जो है धीरे धीरे बढ़ता चला गया और आज जो है विशाल स्वरूप में है। करीब 200 साल पुराना है, जो गुरुओं की परंपरा के अनुसार अगर देखेंगे तो 200 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है। लेकिन चरण पादुका को एक बार फिर दर्शन इसलिए कराएंगे कि ये दर्शन बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही वंदनीय और पूजनीय है, क्योंकि महान त्यागी तपस्वी संतों के ही कारण से ये भारतवर्ष ये दुनिया बची हुई है और उनका चरण पादुका और उनका दर्शन, चरण पादुका का दर्शन जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। आज बहुत परम सौभाग्य है, आप देश दुनिया में जहाँ पर भी बैठे हैं तो इन चरण पादुका के माध्यम से अपने पूज्य गुरुदेव महाराज जी, अपने संतों का दर्शन कर सकते हैं, जिन्होंने इतने त्याग तपस्या से इस स्थान को वंदनीय और रमणीय बना दिया है। आज हमारे मठ और मंदिर या फिर कुंभ स्थल जहाँ होते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा करता है, उन स्थलों की पहचान जो होती है वो धर्म ध्वजा से होती है, क्योंकि धर्म ध्वजा धर्म पताका हमें अपने धर्म से अपने संस्कृति से जोड़ने का काम करती है। तो आप अगर राम जानकी मंदिर में यानी कुटी में आएंगे तो आप सबको देखने को मिलेगा कि ये प्राचीन धर्म ध्वजा लहरा रही है, फैर रही है, और यही धर्म ध्वजा हमारे सनातन धर्म सनातन संस्कृति का प्रतीक है, जो पूरे विश्व को पूरे संसार को लोक मंगल लोक कल्याण की कामना का संदेश देने का काम करती है। क्योंकि कहीं पर भी दुनिया के किसी भी धर्म संस्कृति में लोक कल्याण की कामना नहीं कही गई है, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में आप सबको लोक कल्याण की कामना की बात देखने को पढ़ने को सुनाई में मिलती है। यहाँ से देखेंगे मंदिर की वो प्राचीर जहाँ पर एकदम ऊपर तक विशाल एकदम धर्म ध्वजा फहर रही है, लगातार देखिए ये धर्म ध्वजा जो है वो एकदम सतत जो है हवा के वेग से वायु के वेग से सतत फहर रही है।